टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। जिले के संझौली प्रखंड के चांदी इंग्लिश पंचायत के मुखिया की दादागिरी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में मुखिया जी के मुखियागिरी का हनक साफ दिखाई दे रहा है। वीडियो इतनी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें मुखिया की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। इस वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरह दबंग मुखिया के द्वारा विधवा महिला को बंदूक की नोक पर डराया और धमकाया जा रहा है। इतना ही नहीं, मुखिया जी अपने लाव लश्कर के साथ महिला के घर पर धमक गए और उसके दरवाजे पर हमला करने लगे। महिला की माने तो चांदी इंग्लिश गांव के मुखिया मिथिलेश यादव के अंदर मुखियागिरी की इतनी हनक है कि वह अपने लाइसेंसी बंदूक से किसी पर भी जब मन करता जब जी चाहता बंदूक तानकर उसकी औकात दिखाने लगते। दबंग मुखिया मिथिलेश यादव अपने भाई के साथ पंचायत के ही एक भूलन यादव के घर जाकर गाली गलौज कर अपने लाइसेंसी हथियार से 3 फायर करता और महिला के पूरे परिवार को खत्म करने की चुनौती भी देता। फिलहाल महिला ने दबंग और सनकी मुखिया के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत की है, लेकिन अब देखना यह होगा कि पुलिस दबंग और सनकी मुखिया पर कार्यवाही कब तक करती है या पुलिस मुखिया के राजनीतिक रसूख के आगे नतमस्तक साबित होगी। ग्राम पंचायत चांदी इंग्लिश के मिथिलेश मुखिया जो कि कल मेरे आकर दरवाजे पर गोली चलाएं अपने राइफल से, आज सुबह में हम लोग थाना पे आ रहे थे, हम लोग बीच रास्ता में घेर कर मेरे भाई को देख लिया जाए, दिखाइए हाथ भाई अपना, देख लीजिए पैर पर, देख लीजिए हाथ मार कर फाड़ दिए हैं, ये देख लीजिए हाथ हाथ और लाठी डंडे से इतना मारे हैं जो कि खून से, और देख लीजिए कितना लाल हो गया है मेरा पैर दोनों भाई का बहुत। इसमें हम लोग आ रहे थे थाना पे, जो कि बीच रास्ते में बोल रहे हैं कि कहाँ जाएगा थाना पर केस करने के लिए, देख लीजिए गाड़ी पर बहुत खून लगा हुआ है, देख लीजिए एक खून देख लीजिए गाड़ी पर, और हाथ दिखाइए भाई अपना हाथ हाथ। आपको कौन मारा? मिथिलेश नेपाली। कहाँ आ रहे थे? आ रहे थे थाना पर केस करने। केस करने तो क्या बोला आपसे? बोले कहाँ जा रहे हैं साला, कहाँ जीबे कहाँ जीबे, निकना के मार बोला बोलत मार के सही हमरे के परला देलो हन। कहाँ मारे हैं पहले, का कौन पाप को मारे हैं? पहले मारे हैं वो परवीन दे, फिर उसके बाद मिथिलेश मुखिया। मिथिलेश मुखिया, मिथिलेश मुखिया आए तो डायरेक्ट लाठी से मारने लगे, बहुत मारे। तो आपको कौन मिथिलेश मुखिया मार के फेंके? मिथिलेश मुखिया मारे हैं, मिथिलेश मुखिया मारे, मिथिलेश मुखिया सबसे ज्यादा मारे। ग्राम पंचायत चांदी इंग्लिश ले हम भूलन यादव बोलत नहीं, हम खेत पटावे गई रहे परमिट के, हमारे घरे आके ग्राम पंचायत के मुखिया जी मिथिलेश कुमार 3 फायर आके मरल हन, आके हमारे दादा के गाड़ी देते रहन, हमारे भाई रहन, एक बाद में हम देखी खेत पटावे गई रही, हमारे माई भी है हमारे पिताजी नहीं खन, बहुत ही आके दबाव का कहल जाए तुम्हें बोल बोलो का कहल हन जाके। अब तो हमने कुछ झगड़ा ना लड़ाई रहा है अपन आके गारा गर को 3 फायर मरले हो जाए, हम कहें घर में लुकाइल बनी जाए 3 फायर, हमने घर में लुकाइल बनी जाए, डरे देख ली हमारे दुआर को बहुत ढेला ढुकुर चढ़ेले बन जा, एक बाद में बहुत गुंडे के साथ में आई रहो नहीं जा, देखा बहुत देखा बहुत पैसा देख ली पैसे देख ली इतना इतना ही देखा है इतना ही देखा। हम लोग डर के मारे अभी थामत हैं, हम लोग पुराना उन लोग से दुश्मनी है, इसमें पहले से भी मेरे दादा को वो लोग मर्डर करवाए हैं, मेरे बाप को मर्डर करवाए हैं, आकर हमारे दरवाजे पर 3 फायर मार कर गए हैं, हम घर खेत पटाने गए थे परमिट देख लीजिए यहाँ दिखाइए भाई।